बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है ठीक है। आज के नए व्लॉग को करते हैं आगाज और आपने बहन भाई रहना हमारे साथ साथ, तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह खिलते रहें। तो माशाल्लाह जी सुबह का आगाज हो गया है और सुबह इतनी ठंडी ठंडी यख हवा चलने लगी है बहुत ज़्यादा। और बड़ी मुश्किल से मैंने सुबह चाय बनाई है, बड़ी मुश्किल से। मनीत के बाबा कैसे भी अंदर आप आग जला लो, नहीं मैं बाहर जला लेती हूँ। अंदर तो आपको पता फिर धुआं धानी फिर हवा चलने लग रही थी, धुआं बाहर ना निकलता, तो इसलिए फिर मैंने ना बाहर आग जला ली। तो चाय वगैरह मैंने मनीत के पापा को बना दिया और मनीत के पापा काम पे चले गए हैं, तो यहाँ पे जब मैं रोटी बनाने लग रही हूँ, आटे मैंने टाइम से गूंद लिया था करके भाई टाइम से बच्चों को नाश्ता करा के बच्चे ना टाइम से स्कूल चले जाएंगे। इधर कोई ऐसे सब्जी पराठे बना लगे आलू वाले जो रात जम गए बच्चा था जो पानी बस थोड़ा सा मसाला रखा हुआ था, मैंने कहा चलो बच्चों के एक एक पराठा बना देती हूँ। स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो भेज देती हूँ बना के, फिर बिलाल रह जाएगा उसको मैं सादा पराठा बना दूँ, चाय सब खा लेगा। यही तो मसला था सुबह, अगर शाम का टाइम अगर टिक्की शिक्की बनाए ना फिर सुबह का मसला, सुबह का घर मसला हो जाता है। चावल बनाए तो हमें जो आलू टिक्की बनाए तो जो मर्जी बनाए, सुबह का नाश्ता का मसला होता है बच्चों को, फिर किसी से नाश्ता देना बाल बच्चे होते हैं चाय से भी नाश्ता कर लेते हैं, बाल बच्चे बनते भी नहीं, तो बस यहाँ पे रोटी पटोड़े बना लेते हैं, उसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। नाम जी यहाँ पे खेल रहे, नाम बाय बाय कर दो, दुआ मांगो नाम। वो नहीं मांग, वो दुआ मांगे माशाल्लाह, माँ जी के लिए दुआ मांग रहा है। अभी जी माशाल्लाह जी दूध वगैरह हमने डाल दिया और अहमद अली दूध लेने के लिए आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? बच्चों ने भी तैयारी कर ली स्कूल जाने की, तो अब जाने लग रहे हैं। तो शौकत भाई इधर मोबाइल में लगे हुए शौकत भाई मोबाइल ज़रा बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे शौकत भाई को पता ही नहीं मैं भी व्लॉग बनाने लगी, अपना मसरूफ हुए हैं। और अहमद अली काम वगैरह सही जा रहा माशाल्लाह, और वो अली हसन इब्राहिम गए हैं? अच्छा माशाल्लाह सबका काम सही जा रहा है। अच्छा बाहर जाते अच्छा बच्चे गए होंगे स्कूल? अच्छा सही है। नाश्ता वगैरह नहीं करना? नाश्ता कर लिया है। किसी से नाश्ता किया है? ओ लग, करके भूल गए हो कह रहा क्या बना हुआ है हाउस जी कमाल। चने चावल, अच्छा जी चने चावलों को भूल गया जी, सादा था मेरा भाई है बेचारा खा के भूल जाता है। ये ना अहमद अली ना बचपन से आदत है कि खा पी के भूल जाता है, कहेगा मैंने क्या खाया, कुछ भी नहीं खाया बस भूल गया। चलो फिर ठीक है जी, नाश्ता नहीं करते तो फिर दूध लेके टाइम पर चले, क्योंकि मुझे लग रहा है चाय जाएगी ना जमीन पे, है ना लगे मैंने काम पे। ठीक है जी, सब ने कर लिया तो घर का सारा हमने काम वगैरह भी कर लिया, बस सिर्फ अब रह रहे हैं बर्तन। यहाँ पे जी रस्सियाँ बंधनी हैं, बच्चों ने मुझे लग रहा बांधी थी तो वो, और कोई सिस्टर जी खोलने लग रही हैं। हाँ जी खुल गई हैं, बच्चों का तो काम ही क्या है, सीखते हैं बस उल्टे चलते काम बच्चे कर रहे होते हैं। माशाल्लाह जी ये भी ये फूटता जा रहा है ना रुकिया सिस्टर, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, माशाल्लाह बड़ा सारा। और ये भी माशाल्लाह फूटता जा रहा है शतूत, छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। हाँ अब मौसम में बहार आ रही है ना, हर चीज़ नहीं जान आएगी, हर चीज़ में यानी कि दरख्तों में घास में हर चीज़ में नहीं जान आती है। सही है, अब देखो छोटे से आई कितना प्यारा लग रहा है, छोटा छोटा कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे होने लग रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे मोहम्मद इनाम भी खेलने, मिट्टी नहीं खानी बुरी बात, बुरी बात मिट्टी नहीं खानी, नहीं उल्टा काम नहीं करना। हाँ ये महाल से काम कराओ, काम करवा रहे हैं अल्लाह के साथ सही है। एकदम मंदम धूप हो रही है और हाफसाबाद में भी टिका के बारिश हुई है, आमने सिस्टर बता रही हैं भी हाफसाबाद में ना बड़ी बारिश हुई, सारी रात बारिश होती रही है, तो तभी तो यहाँ पे हल्की हल्की मंदम मंदम धूप आएगी। और यहाँ पे जी भाजन लगे हुए हैं बच्चों के साथ लगे, अभी शिवरात आई नहीं, शिवरात की पहले ही डजियाँ डुजियाँ बच्चों को सही कर, बच्चों को देख लेते हैं ना बच्चे। हाँ जी रीस लग जाती है हमें, हमने भी लेनी है। हाँ जी सही बात है। और आप क्या कर रहे हो? मैं आपको
चलो ठीक है जी, चाय बना लेते हैं। भाई जान आपने तो नहीं चाय पीनी? बस मर रही यार, गरीब बंदे को पूछ दे। हाय अल्लाह। हाँ तो जब बनाएंगे तो फिर देंगे, जब सारी बात है जब बनाते हैं तो फिर सबको देते हैं, फिर किसी को नहीं पीछे रखते। हाँ ये किसके बन रहे हैं भाईजान? बड़े डजी मुहित की बन रही है, मेरा मुंह से है ना निकल ही नहीं रहा था। सहल डजी डजी मुनीब पहले बनाई है, चाचा जी के बच्चे ने बनाई है, फिर मुनीब ने बनाई है, फिर अब ये कहते हैं भाई हमें बना के दो। जारी बात है, जब एक बच्चे ने बनाई हुई होती फिर दूसरा बच्चा खुद पर खुद कहता है कि मम्मा जी मुझे बना के दो, फिर बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं भाई हमें बना के दो। सही है ठीक है। चलो ठीक है जी, चाय वगैरह बनाते हैं, चाय पीते हैं। चलो ठीक है, इतने में आग जला लेती हूँ। सिस्टर ऐसे बात कर दी। अच्छा जी, बिया को हमने कहा भाई अपने पापा को चाह दे क्या, वो जी दादा अबू को जाके चाय दिया पी की चाय। अच्छा मैं कह रही हूँ, मैंने कहा शौकत भाई आपकी चाय भी दिया, कह रहा भाई कह रहा मैंने अभी चाय मुझे नहीं दी चाय, मैंने कहा अभी अभी तो मैंने आपको चाय दी, भाई कह रहा नहीं दी। मैं ये समझी, मैंने कहा भाईजान ने चाय छुपा दी है शायद मेरे घर। फिर वहाँ से दादा भू जाके पिक्की चाय लेके आए, दादा भू को फिर मिट्टी दे के आए, फिर शौकत भाई को फिर फिक्की चाय ला के दी है। सही है, डजी वगैरह बना दिए भाई जान बच्चों को? चलो सही है। आप किधर गए, माचिस लेने गए? सही बात है भाई, माचिस सब ताले में रखनी पड़ेंगे, क्या था बच्चे छोड़ने नहीं माचिस ना। माचिस भी 10 रुपए की दो देते हैं, एक ही मिलती है, एक ही मिलती है। ओ अल्लाह या अल्लाह, इस महंगाई को कम कर दे, या तो हमें खत्म कर दे या महंगाई खत्म कर कम कर दे। अब ये किसकी बन रही है भाई? ये इसकी है। अच्छा सनैन की। सब ने पी ली है, तो रुकिया सिस्टर को इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि मैंने कहा शायद आप गोभी का फूल खाने लग रही हो। अच्छा चलो जी भाई जान खाएंगे, और नहीं क्यों खाएगा। नहीं नहीं आपको दिखा रहा हूँ। ओह छोटा सा, ये तो इनाम का दे दो, इनाम का गिफ्ट कर दो, खोल दे दो। और कुछ हमने वहाँ पे काट के रख दिया, तो उधर मुनीब के पप्पा ने भी कबूतर खोले हुए हैं, कबूतरों को दाना वगैरह डालने लग रहे हैं। और आज खाना पकाना कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा नमकीन सेवियाँ, मैं समझ आता भूख हड़ताल करो। बैंगन तो ना बेसन वाले बनाए, हाँ जी बड़ा ज़बरदस्त बनेंगे वो तो इंशाल्लाह, वो तो फिर बनाएंगे बनाएंगे वो तो इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो रह गया थोड़े दिन का दिन रह रहे हैं रमज़ान में आने में, फिर इंशाल्लाह रोज़े भी रखेंगे, अफ्तारी भी होएगी, सहरी भी होएगी, और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ने चाहना इंशाल्लाह। फिर रोज़े तो इंशाल्लाह रखेंगे, यह है फिर रोज़े रखेंगे। फिर ये पिछले दफ़ा तो भाई जान ने भाई रफीक हमें उठाता रहा था, अब कि हम फिर ना मोबाइल पर ना अलार्म लगा लेंगे, जब भाई सदीक को जिम्मे लगाएंगे अभी आपने हमें 2:30 बजे आपने ना हमें उठा देना, फिर हम अपना उठ के अपना ही यानी कि भाई एक दो दफ़ा उठाना पड़ेगा, फिर तो बंदा खुद तो खुद बंदा उठ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो। और सूरज भी मंदम मंदम हो रहा है, अभी काटने अभी ये अच्छा अच्छा बस वो अब के लिए है, सुबह के लिए। अच्छा से गरम मसाला जो है पीसा जा रहा है, साबुत में हम गरम मसाला था, साबुत था क्योंकि पीसा हुआ नहीं है ना, तो गरम मसाला साबुत था, मैंने कैसे पीस लेती हूं, आपके पास दाल होगी चिकन हो गया ना, गरम मसाला ना अच्छा लगता है। हां जी अच्छा लगता है, दाल में रखती है और यहां पे जो सारा मसाला गरम मसाला लगा रही है। सही है, वैसे जैसे मैं बनाती हूं मसाला भून के वैसे लगाओगे बेटा? सही है, वैसे तो मनीष के पापा कहते भी आलू टिक्के बना लो, मैंने कहा नहीं वो फिर मैं ये कल के परसों को फिर बना लेंगे। चलो ठीक है, आपने तो मुझे लगा बेसन की बनाई थी ना। हाँ जी बेसन की बनाई थी, हाँ जी आलू वगैरह उबाल के रखते हैं उसको मसाला से करके। भाई बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहा बहुत मजे की बनी थी, जाहिर बात है जब काफी दिनों बाद बनाते हैं तो चीज अच्छी बनती है हमेशा। हाँ जी इंशाल्लाह अगर मान जाने ऐसे बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। चलो ठीक है, आप काफी बड़ी को तो क्या, हाँ जी क्या कह रहे हैं मनीष के पापा? मुझे लग रहा चाय का कह रहे हैं। अच्छा चाय का, वो मुझे लग रहा कुछ गेस्ट आए ना उनके लिए। हाँ जी चलो मैं बना देती हूँ, इसमें मसाला वगैरह पीस लेती हूँ। चलो ठीक है आप मसाला पीसे, ठीक है मैं भी इधर ना वो आपकी तरफ ना दूध रखा है पतीली में चाय वाले सना, वहाँ पतीली उठा के ला दूध की बात चलो, तो मैं दिलाती हूँ। हाँ जी चलो ठीक है आप बनाए।
का टाइम हो गया और सूरज भी अपनी मंजिल पर रवाना होने लग रहे हैं और हल्के हल्के बादल आने लग रहे हैं साइडों पर से और हर कोई अपने अपने घर जाने लग रहा है, सब देख सकते हैं। और यहाँ पे जी मैंने प्याज भी काट दिए हैं, हरी मिर्चें भी, टमाटर भी, और ये जी है लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के मैंने रख दिया और दाल को मैंने साफ़ कर दिया और कुकर को मैंने लेप लगा दी। और यहाँ पे जी अब जिरको ऐसे स्टडी शाम की रेसिपी की तैयारी करने लग रही है, अपना ही प्याज वगैरह लहसुन अदरक छीलने लग रही हैं। और यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, जिस तरह चाय पक जाती है उसके बाद फिर मैं अपना यानी कि रेसिपी की तैयारी कर लेती हूँ। सही है, चलो ठीक है, चाय उबलने वाली हो रही है, मैं चाय देती हूँ। वाला आ गया, मेरा अंदाजा सही था, पति रहेगी, अच्छा क्या पता रंग भी निकल, रंग निकल जाएगा, सही बात है। आ गया, हो गया, बच्चे ने रखा था, बच्चे आपस में लड़ते हैं, मोहित अभी माचिस लेके आया तो कह रहा है मम्मा जी मेरी माचिस ना बियान उठा लिए, तो यहाँ पे जी प्याज भी हल्के हल्के ब्राउन हो गए और यहाँ पे ये लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना के रखा था, तो और ये साथ ही ये टमाटर वगैरह में भी ना साथ ही डाल दी, इसलिए अच्छी तरह बुनाई करती हूँ। आप जाते हैं ना बच्चों को साथ चला मुकाफी हो जाते, बच्चा ना बड़ा शहर कर रहा है, हाँ जी नहीं वो उठा लेंगे, नहीं गई पटाखों की बात तो जी नाम पे जाते माशाल्लाह से मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है, माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आ रहा है, माशाल्लाह से आप जी बीच में डाले ना बड़ा प्यारा जंग ना कलर आ रहा है। हाँ जी दाल वगैरह हमने साफ कर दी थी, बीच में डाल देती हूँ दाल, ये क्या दो दो किस्म की डाले, लाल वाली भी डाली है मैंने, अच्छा मसर की दाल और चने की दाल, मैंने कहा ना थोड़ा है ना वो चेंज चेंज भी है मैंने कहा मसाला वगैरह ना गाढ़ा, हाँ जी बच्चों ने शोर किया हुआ है, बस डजी डूजी बचाते फिर रही हैं, शोर किया हुआ है बच्चों, हाँ जी सही है, बस मसाले की बुनाई करके फिर आप इसमें पानी डाल देना, फिर वेट लगा देना साथ, वेट आपकी तरफ पड़ी है, हाँ जी मैं अभी ला के देती हूँ वहाँ से भी, चलें ठीक है। मैंने मसाले की बुनाई वगैरह कर दी थी और बीच में मैंने दाल भी ऐड कर दी और पानी में डाल दिया और यहाँ पे जी कुकर को मैंने वेट भी लगा दिया और अबू जी मेरा वगैरह गोभी वगैरह लेके आए हैं और शौकत भाई गए थे दुकान पे, पैदल ही गए मुझे लग रहा, हाँ जी भाई के साथ गया है, भाई ने छोड़ के आ गया, अच्छा वो आगे कहीं चले गए, अच्छा आप क्या सेम है लेके आए हो, सेम है लेके आए, अच्छा सही है सही है। चलो जी दो जी शाम का टाइम होने लग रहा है, सूरज भी ग्रूप हो चुका है, बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है और लाइट ने भी तंग करा हुआ, लाइट चली गई है और यहाँ पे जी सेमी वगैरह तोड़ ली हैं और पानी भी मुझे लग रहा रख, हाँ जी मसाला भून के पानी जो हमने डाल दिया पकेगा और फिर मैं साफ में डाल दूँगी, सही है ठीक है जी, हाँ जी गूंदी है और आटे को ना मैं ढक देती हूँ और यहाँ पे माशाल्लाह जी आग भी अच्छे से जलने लग रही है और यहाँ पे दाल भी देख सकते हैं माशाल्लाह खुद खुद से पकने लग रही है, क्योंकि दाल थी थोड़ी पतली तो मैंने इसने कहा थोड़ी सी ना यानी कि अभी खुला रहता था कहना, माशाल्लाह से मसाला वगैरह हमने भून लिया था और जो अब सेवियाँ भी तकरीबन तैयार होने लगी हैं, बस इसको ना हल्की आँच पे रख देती बन जाएगी, तैयार हो गई नहीं हल्की हल्की आँच में, और माशाल्लाह से वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, ये थी आज की ज़बरदस्त वीडियो, अगर भी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।